गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा था, उसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी दिखाई थी जो कि मेरी हैदराबाद से कोपेनहेगन की थी। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ देख डालो, आपको तभी आगे की वीडियोस में मज़ा आएगा। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं पूरा सिटी टूर करने वाली हूँ, अपना ऑफिस मॉर्निंग से लेके पूरा अपना रूटीन, लाइक सुबह ऑफिस जाने से लेके निकलने के बाद में मैंने पूरा कवर किया है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पे और देखिए कोपेनहेगन सिटी। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि मेरा जो होटल था केबिन अपार्टमेंट, ये मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। ये एकदम मॉर्निंग का टाइम है, 7 o'clock, जब मैं जाती थी अपने ऑफिस के लिए 7:30 के अराउंड। ये देखिए, ये मेरा स्टेशन था ऑर्स्टेड स्टेशन। तो यहाँ पे मैं अपनी बस का वेट कर रही हूँ, जो कि 32 नंबर की बस होती थी ऑफिस के लिए। तो मैं बस स्टैंड पे खड़ी हूँ और मैंने सोचा सुबह का मॉर्निंग का व्यू को कवर किया जाए। तो ये देखिए आप नज़ारा। तो इस ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में अपनी बस को बोर्ड करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी बस में, और ये बस मुझे लेकर जा रही है मेरे ऑफिस जो कि था अमेगर में। तो अभी ये देखिए, ये पूरा रोड्स, और मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत बाहर का भी व्यू कैप्चर कर सकूँ। दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आप देखिए खुद कितना ब्यूटी है, कितना क्लीन है। और मॉर्निंग का टाइम था तो ठंड भी बहुत थी, पूरा विंटर्स का टाइम था। तो आप एकदम, मतलब वेदर उस टाइम पर, जिस दिन मैं पहुँची थी उस दिन तो -2 degrees था वहाँ पे टेम्परेचर, और अभी आज भी टेम्परेचर ठीक है। तो इतना ठंड में, लेकिन मॉर्निंग में जाने का वो रिफ्रेशिंग मज़ा ही कुछ और था। तो ये देखिए, पूरे दिन के ऑफिस के बाद फाइनली मैं अपने ऑफिस से निकल चुकी हूँ। और वो जो आप देख पा रहे हैं सर्कल के, उसके पीछे ही था मेरे ऑफिस का बिल्डिंग। तो अब मैं मुझे ऑफिस से जाने के लिए रोड क्रॉस करनी है, तो मैं उधर जाती हूँ। और ये देखिए, मैंने फाइनली मेट्रो बोर्ड कर ली है, और मेट्रो से अब मैं जा रही हूँ सिटी में घूमने। तो जैसे कि क्या मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में भी, कि विंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। मैं ऑफिस से निकली तो 5 o'clock पे थी, लेकिन वही है कि 5:30-6:00-7 बजे तक एकदम अंधेरा हो जाता है। तो अभी टाइम वही था, तो मैं ये कॉन्ग्स नेटर्व जो मेट्रो स्टेशन है, ये मेरे सेंट्रल जो सिटी सेंट्रल है उसका मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। और ड्रिजलिंग हो रही थी थोड़ी थोड़ी, वो होती रहती है क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा, इतना टेम्परेचर ऐसा था, तो बारिश भी थोड़ी बहुत होती रहती है। तो ये मैंने मेट्रो से बाहर आके, और मैंने सोचा कि अब थोड़ा चला जाए सिटी की तरफ। तो चलिए मेरे साथ। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेन सिटी टनल पे, जो कि सिटी सेंट्रल में है, हमारी सेंट्रल स्टेशन के पास में है। तो यहाँ पर अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा क्राउड कम है, लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से इतना ठंडा टेम्परेचर भी अराउंड 1 degree हो रहा था उस टाइम पर, और बहुत ठंड था, लेकिन मज़ा आ रहा था एकदम ताज़ा। पूरे दिन की थकान 2 minutes में उतर गई थी यहाँ पर आते ही। देखिए, तो ये न्यू हेवन के पे आ चुकी हूँ मैं, और ये न्यू हेवन जो जगह है, ये यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पूरी अच्छी सी डेकोरेशन थी। ये देखिए, ये नाइट में पूरा अपने सब रेस्टोरेंट्स के बाहर सब जगह सिटिंग अरेंजमेंट लगा के, पूरा ब्लोअर्स वगैरह लगाकर, प्यारे प्यारे एकदम सॉफ्ट से ब्लैंकेट रखकर, बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। और ये टनल का दूसरा साइड है, इसमें दिन में अगर मैं आऊँ तो फेरी भी चलती है यहाँ पर, लेकिन इस टाइम पर बहुत ठंड था और ऑलरेडी बहुत लेट भी हो चुका था रात, मतलब लेट इतना तो नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ के हिसाब से बहुत अंधेरा हो गया था इतनी ठंड में, 7-8 बज रहा था, लेकिन फेरी नहीं चल रही थी इस टाइम पर, तो इसलिए अभी मैंने वो कवर नहीं किया। बट हाँ, मैं आपको ये साइड का न्यू हेवन का जो मार्केट का है, ये रेस्टोरेंट्स के बाहर जो पूरा डेकोरेशन है, क्योंकि मैं जो पहुंची थी वो था क्रिसमस का टाइम, तो क्रिसमस के टाइम की वजह से ये पूरा एरिया बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था सब जगह पे, जैसे कि आप लोग सब देख पा रहे होंगे, देखिए, और एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल सिटी था कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, रात की लाइट्स में भी, और अलग ही मतलब फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था।
ये देखिए पूरा, मैं जो आपको बता रही थी अभी, सीटिंग अरेंजमेंट जो करके रखते हैं ये न्यू हेवन पे। तो ये देखिए, इतना घूमने के बाद, इतनी ठंड में घूमते घूमते अब मुझे भूख लग चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कुछ देखा जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत इशू हो जाता है फूड ढूंढ पाना अपने खाने के लिए। तो मेरे को वहीं जाना था और मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते करते देखते हैं। मैं साइड बाय साइड पूरे व्यूज़ भी कैप्चर कर रही थी न्यू हेवन के, जो अच्छे से उतना क्लियरली नहीं आ पा रहे थे, बट हाँ जितना आ रहे थे मैंने कैप्चर करने का कोशिश किया है। तो मैं जा रही हूँ, कुछ रेस्टोरेंट देख रही हूँ जहाँ पे कुछ वेजिटेरियन सही सा ऑप्शन अवेलेबल मिल जाए मुझे। तो देखिए चलिए मेरे साथ। तो इतना घूमते घामते चलते चलते मैं एक जगह पहुंची जहाँ पर क्रिसमस की बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन हो रखी थी। ये सेंटा क्लॉस सब कुछ रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में डेकोरेटेड था यहाँ पर, बट एकदम से बारिश तेज आ गई थी तो मेरे को यहाँ साइड में आना पड़ा। और रोड में भी आप देख पा रहे हैं अभी लोग कम हो चुके थे क्योंकि तेज़ हो गई थी थोड़ी सी बारिश। तो ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी ये सॉफ्टी जो है, और ये सेंटा क्लॉस भी बहुत क्यूट थे। देखिए अभी मैं अच्छे से कवर किया है, उस टाइम पर थोड़ा वैसे कवर हुआ था। तो फाइनली इतना घूमने फिरने के बाद थक के मुझे मेरा डेस्टिनेशन मिल गया और मुझे मिला मशरूम पिज़्ज़ा। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई किया जाए इस रेस्टोरेंट में। तो आपने देखा फाइनली मैंने कर लिया है अपना डिनर, और वो पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा था क्वांटिटी में कि मुझे पैक करा के घर लाना पड़ा क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था उतना फिनिश, बहुत बड़ा था वो। और फिर अब मैं ये मेट्रो की तरफ आ गई हूँ, तो ये मेट्रो स्टेशन था वहाँ का, और ये देखिए आप। और यहाँ पर लोग बाइसिकल से बहुत अपना ट्रैवल करते हैं, इवन अपनी साइकिल्स को लेके ऊपर आ जाते हैं लिफ्ट के थ्रू और मेट्रो में लेके जाते हैं पूरा सब जगह उसी से, कार या साइकिल्स बस। ये थोड़े बहुत मैं जब वहाँ घूम रही थी तो मैंने अपने ये फोटोज़ वीडियोज़ ऐसा क्लिप बनाया, और ये रेंडियर्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे मेरे को, तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाया। और ये देखिए आप, थोड़े से व्यूज़ और क्रिसमस डेकोरेशन के ही हैं। ये सारा कोपेनहेगन न्यू हेवन का ही है, न्यू हेवन और सिटी सेंट्रल के। तो ये देखिए, और ये क्रिसमस ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे, देखिए आपको भी पसंद आएगा, बहुत ही प्यारा था। और ऐसे ही घूमते घूमते वापस आते टाइम पर मुझे थोड़ा सा ये सब भी दिखा था, ये सब वुडन के आइटम थे और ये सारे यूक्रेन, मेड इन यूक्रेन थे। हाँ ये देखिए आप, तो ये सब भी बहुत क्यूट थे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से किचन आइटम्स, स्पून फोक सब कुछ वुडन का ही था। और ये फाइनली मैं पहुंची थी चुरोस खाने, ये मैंने सुना था कि बहुत टेस्टी होते हैं ये चुरोस, विद आइसक्रीम लिया था मैंने। तो ये पोटैटो के थे और एकदम कर्ली से बनाते हैं ये, और जैसा हमारा फ्रेंच फ्राइज होता है ना, लेकिन फ्रेंच फ्राइज नहीं, ये अलग ही, मतलब बहुत क्रिस्पी था,
और ये देखिए ये सेंट्रल स्टेशन की इवनिंग की रौनक। बारिश कम हो गई थी तो एकदम से लोग सब वापस से मार्केट्स में निकल आए थे। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ था क्रिसमस का पूरा रोड में। हर्ट्स के बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे जो ऊपर की साइड है। और अब एक और ट्री दिखा था मुझे ये सुंदर सा। काफी क्राउड बढ़ गया था अभी मार्केट में क्योंकि बारिश चली गई थी तो सब लोग घूमने ही निकले हुए थे। और वेदर भी, और पीक सीज़न में आने का मेरा यही फ़ायदा हुआ था, वरना जनरली मैंने सुना है कि इस टाइम पर इतना भीड़ नहीं होती है यहाँ पर और इतनी अच्छी रौनक भी नहीं होती है। तो जो मैं क्रिसमस सीज़न में आई हूँ तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। और मैं डेली ऑफिस के बाद, मतलब डेली क्या, मोस्टली क्योंकि मुझे डिनर के लिए तो जाना ही होता था तो मैं निकल आती थी घूमने के लिए। तो ये मैंने जब जब कैप्चर किया। ये देखिए एक और ब्यूटीफुल सा ट्री। ये बहुत सुंदर सुंदर थे सारे वहाँ पे डेकोरेशंस, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी वहाँ पे। और एकदम क्लीन ब्यूटीफुल सा सिटी और वेदर तो एकदम ठंडा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था एक्चुअली रात तक तो, लेकिन अच्छा लग रहा था। और फिर फाइनली ये मैंने अगले दिन का जो मैंने लास्ट की थोड़ी क्लिप्स थी वो नेक्स्ट डे मैं ऑफिस के बाद निकली थी तब की थी। और फिर मैं बहुत दिन से इधर उधर का कुछ खाते खाते बोर हो गई थी तो मैंने फाइनली मटर पुलाव और रायता ढूंढ लिया। तो ये था हमारा व्लॉग जो कि कोपेनहेगन को कवर किया था, न्यू हेवन को मैंने रात में। और आगे की वीडियोज़ में प्लीज़ बने रहिए, ये आगे मैं और भी कंट्रीज़ और सिटीज़ को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। और उन सारी चीज़ों को और उन सारे व्यूज़ को देखने के लिए आप हमारी इस पूरी सीरीज़ में बने रहिए। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा था, पिछली सीरीज़ नहीं देखी थी तो उसको भी हम लिंक में दे देंगे नीचे। और प्लीज़ आगे की वीडियोस भी देखिए। और अगर यहाँ तक आ ही चुके हैं मेरी वीडियोस को देखते देखते और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।